चैनल मैं हूं सोनम। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में किस पर शेयर करने वाली हूं। जी हां, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं लोहड़ी फेस्टिवल मेकअप लुक। आज का मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया है गाइस, मैंने एज अ पंजाबी मेकअप लुक क्रिएट किया है। काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की है कि मैं एक पंजाबी मेकअप लुक क्रिएट करूं, और ये मेरे साल का पहला फेस्टिव मेकअप लुक होगा आपके साथ में जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। सो गाइज, अगर आप न्यू ब्राइड हैं और आप खुद से चाहती हैं कि घर से कैसे मेकअप करें या खुद से कैसे मेकअप करें, घर पर जो नॉर्मल सामान है, नॉर्मल जो हमारे पास मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं उनका यूज़ करके, तो मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारे हैक्स भी बताए हैं कि अगर आपके पास ये प्रोडक्ट्स ना हो तो आप उसकी जगह पर कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं और कैसे एक अच्छा मेकअप कर सकती हैं। तो अगर आप भी चाहती हैं ऐसा मेकअप लुक क्रिएट करना इस फेस्टिवल में, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मेकअप स्टार्ट करने का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है अपने फेस को मॉइस्चराइज करना। मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए यहाँ पर पॉन्ड्स की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, कोल्ड क्रीम। तो आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, बट एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि मॉइस्चराइजर को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लेने के बाद अब नेक्स्ट मैं अपनी ब्राउज़ को फिल कर रही हूँ। सो गाइस, ब्राउज़ को फिल करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ग्लैम 21 का ब्राउज़ फिलिंग जेल। तो आप चाहें तो यहाँ पर आईब्रो पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ब्राउज़ को डिफाइन कर लेने के बाद अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपने आईलिड एरिया पर। यहाँ पर मैं जो कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, जिसमें मेरा शेड है 03। ये मेरे स्किन टोन से 1 शेड डार्क है, तो मैं इसे एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो गाइस, आप अगर आपके आईज़ पे डार्क सर्कल्स हैं तो आप कंसीलर को बिल्कुल भी स्किप ना करें। कोई भी अच्छे ब्रांड का कंसीलर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अगर अच्छे कंसीलर की मैं बात करूँ गाइस, तो स्विस ब्यूटी का ये जो कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही अफोर्डेबल भी है और बहुत 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 अच्छा है गाइस, सीरियसली आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपने डार्क सर्कल्स को अच्छे से हाइड कर लिया है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर उसे पाउडर कॉम्पैक्ट की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी। सो गाइस, कंसीलर को सेट कर लेने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आई मेकअप। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से एक डार्क ब्राउन शेड लेकर अपने क्रीज एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, बिकॉज आज जो मैं आई मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, कट क्रीज आई मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं सबसे पहले एक डार्क शेड लेकर उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो नेक्स्ट मैं अब एक फ्लैट ब्रश पर कंसीलर अप्लाई कर कट क्रीज को ड्रॉ कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, एज यू कैन सी। सो गाइस देखिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें कंसीलर नहीं लेना है ब्रश पर। अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट पर कंसीलर ले लेते हैं तो हम उसे अच्छे से स्प्रेड नहीं कर पाएंगे, तो बहुत ही कम अमाउंट में हमें लेना है। अब नेक्स्ट, जहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ पर मैं एक गोल्डन शिमरी शेड अप्लाई कर रही हूँ अपनी फिंगर की हेल्प से। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने अपना आई मेकअप कंप्लीट किया है। और यहाँ पर मैं जेल आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ एंड मैंने फॉल्स लैशेज भी अप्लाई कर ली हैं। सो गाइस, फॉल्स लैशेज अप्लाई कर लेने के बाद अब आते हैं अपने बेस मेकअप पर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया था वीडियो की स्टार्टिंग में। तो अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं जो यूज़ कर रही हूँ सीरम, गुड वाइब्स का रोजशिप सीरम यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज गाइज मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है और विंटर्स चल रहे हैं, तो विंटर्स में तो हमारी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो गाइज, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कोई भी फेशियल ऑयल या फिर कोई भी सीरम को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ज़रूर अप्लाई करें, जिससे कि जो आपका बेस होगा वो बहुत ही फ्लॉलेस लुक देगा। सो अब नेक्स्ट मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। तो गाइज़, ये जो फाउंडेशन है मेरी स्किन टोन से 1 शेड लाइट है। तो यहाँ पर मैंने एक हैक का यूज़ किया था गाइज़, मेरे पास जो कंसीलर था वो मेरी स्किन टोन से 1 शेड डार्क था, तो मैंने दोनों को मिक्स कर लिया और अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग अपना फाउंडेशन क्रिएट कर लिया। गाइज़, यहाँ पर मैं आपको एक हैक बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई भी फाउंडेशन है जो आपकी स्किन टोन से 1 शेड लाइट है, तो आप वहाँ पर ऐसा कोई भी डार्क फाउंडेशन को उसमें मिक्स कर सकते हैं या फिर कोई भी डार्क कंसीलर को आप उसमें मिक्स कर सकते हैं और अपने शेड के अकॉर्डिंग उसे बना सकते हैं।
और गाइज अगर आपकी स्किन बहुत 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 ज़्यादा ड्राई है तो आप जो भी फाउंडेशन बनाएंगे उसमें 1 to 2 ड्रॉप सीरम या फिर कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर मिक्स कर लीजिए, जिससे कि जो आप ये फाउंडेशन अपने फेस पर लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी केकी लुक नहीं देगा। तो गाइज देखिए यहाँ पर फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद अब नेक्स्ट मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपने हाईलाइटेड एरिया पर, बिकॉज जो मेरे डार्क सर्कल्स हैं जो भी पिगमेंटेशन है वो अच्छे से हाइड हो जाए। सो गाइस कंसीलर जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर ही यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मेरा शेड है 04, ये मेरी स्किन टोन से 1 शेड लाइट है। तो देखिए गाइस यहाँ पर कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है अपने बेस को सेट कर लेना। तो मैंने यहाँ पर पाउडर कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपनी बेस को सेट कर लिया है। अब नेक्स्ट मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ। अपने फेस को कॉन्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर SFR की 4-in-1 पैलेट का यूज़ कर रही हूँ। तो गाइज़ मैं यहाँ पर बहुत ही कम अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी और अपने नोज़ को भी मैंने यहाँ पर कॉन्टोर कर लिया है। अब नेक्स्ट मैं अपने फेस पर हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। गाइज़ ये बहुत ही ऑसम पैलेट है एंड बहुत अफोर्डेबल भी है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज़ देखिए यहाँ पर फेस मेकअप को डन कर लेने के बाद अब नेक्स्ट मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मेरा शेड है कुछ ही मरूनिश टाइप का शेड मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। सो लिपस्टिक अप्लाई कर लेने के बाद हमारा मेकअप डन हो गया है गाइस। तो मेकअप डन हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पर अपना हेयर स्टाइल रेडी कर रही हूँ। तो मैंने कुछ इस तरीके का पंजाबी लुक ट्राई करा है, कुछ हेयर स्टाइल इस तरीके का ट्राई करा है। कैसा लगा मेरा आज का ये लोहड़ी मेकअप ट्यूटोरियल, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ न्यू टिप्स के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।